हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे विल डू चैप्टर नंबर सेकेंड। आई ऑलरेडी पोस्टेड वन वीडियो अर्लियर, जिसमें हमने सोल प्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 67 से इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? सो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो फर्स्ट मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। पहले ही पढ़ा जा चुका है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना इट नॉट इज कंपल्सन, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। तो वो इजीली फॉर्मुलेट हो सकती है जब पार्टनर्स चाहें और इजीली बंद भी हो सकती है जब पार्टनर चाहें। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप में क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती है, तो कंसल्ट करके एक बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। मोर फंड्स, सोलो प्राइटरशिप के कंपैरिजन में इसमें एक क्वालिटी है क्या कि सोलो प्राइटर के पास ये था कि लैक ऑफ कैपिटल था, क्योंकि अकेला बंदा था। या बंदे ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली डिवाइड होगा, बट एक ऑप्शन ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोलो प्राइटरशिप में रिस्क का या लॉस का जो बर्डन था वो इंडिविजुअल के ऊपर था, जबकि यहाँ पे रिस्क और लॉस दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो किसी एक के ऊपर रिस्क का बर्डन नहीं होता। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब कि पार्टनर्स को एक्चुअली बुक्स जो है, अकाउंट्स बुक्स जो होती है, पार्टनर्स को पब्लिक में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो फॉर्म है कंपनीज की, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो पब्लिक को दिखाना इट इज़ कंपल्शन। बट जैसे सोलो प्राइटरशिप में था ऐसे ही इसमें है कि सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि पार्टनर्स के साथ ये कंपल्शन नहीं है कि वो अकाउंटिंग बुक्स जो है वो पब्लिक में क्या करें, डिस्क्लोज करें। नाउ लिमिटेशंस। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड वर्ड का मतलब अगेन सेम ही है कि अगर फर्म को ज़्यादा लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे करनी लानी पड़ेगी बिजनेस में, ताकि वो लाइबिलिटीज पे हो सके। लिमिटेड रिसोर्स, पार्टनर्स में भी लिमिटेड रिसोर्स होता है, क्योंकि पार्टनर्स की भी कैपेसिटी है, वो इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ला सकते। तो इन केस अगर फर्म को बहुत बड़ा फंड चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्म जो है वो सफिशेंट नहीं है। लैक ऑफ हार्मनी, पार्टनर्स के बीच में कई बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमें बिजनेस ही बंद करना पड़ जाता है। तो अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये फॉर्म सही नहीं है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कंटिन्यू वैसे रहती है, क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टनर नहीं तो रिमेनिंग पार्टनर चला लेंगे, बट इन केस अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी वजह से बैंक करप्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप हमें क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, सिंस अनलाइक द कंपनी बिजनेस एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। हमने अभी ये बोला कि सीक्रेसी मेंटेन रहती है, कि हम पब्लिक में अकाउंट्स बुक शो नहीं करते, तो जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, वो हेजिटेट होते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या इनकेस अगर इनको लोन चाहिए तो लोन देने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो अकाउंटिंग इनको दिखाई जा रही है या इन्हें नहीं पता क्लियर पिक्चर, तो वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ पार्टनर, दो टाइप के पार्टनर होते हैं, फुल फ्लेज एंड नॉट फुल फ्लेज। फुल फ्लेज मतलब वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड बिजनेस के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद होता है प्रॉफिट शेयर करना। नॉट फुल फ्लेज जिनका मकसद बिजनेस चलाना नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक मोटिव के लिए पार्टनरशिप में है, एंड आफ्टर दैट मोटिव वो पार्टनरशिप से अलग भी हो जाएंगे, जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। फुल फ्लेज के टाइप से एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का मतलब जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिव हो, जिसने इन्वेस्ट भी किया हो बट उसके साथ साथ वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ में एज अ एजेंट भी काम कर रहा है, उसकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ उसे पैसा लगा देते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पैसा लगा देगा एंड उसके बदले उसको प्रॉफिट या लॉस चाहिए। सीक्रेट पार्टनर, अ पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशनशिप विद द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक।
मतलब वो पार्टनर तो है लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि उसकी आइडेंटिटी पार्टनरशिप के साथ है। ही इन्वेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेता है, मैनेजमेंट में पार्ट भी करता है बाकी पार्टनर्स के जैसे, बस पब्लिक को नहीं पता होता। अब बात आती है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर की। नॉट फुल फ्लेज मतलब जो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हैं। फर्स्ट नॉमिनल पार्टनर, दोस्त पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो हैव नो रोल इन द मैनेजमेंट आर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। जो ना तो पैसा लगाते हैं, ना काम करते हैं, ना उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए होता है, फिर भी वो पार्टनर होते हैं। क्यों होते हैं? द फर्म मेक देम पार्टनर टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल। मतलब मार्केट में उनकी रेपुटेशन इतनी है कि कंपनी ये चाहती है कि उसकी रेपुटेशन का फ़ायदा हमें मिले। तो सिर्फ नाम जानना ज़रूरी है, सिर्फ नाम का आना ज़रूरी है, उसके अलावा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड इज पार्टनर बाय एस्टोबोल आर होल्डिंग आउट। अ पार्टनर हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म बट His word or conduct highlights him as a partner। मतलब एक तरीके से वो represent करता है but वो partner नहीं होता। ठीक है, उसके actions या उसके जो words हैं वो ये show करते हैं कि वो company का partner है but वो partner actually में नहीं होता। जब किसी company में कोई management higher post पे होता है तो अगर partner को उसको trust है तो normally वो decision ले लेता है। तो बाकी पब्लिक को क्या लगता है कि वो जिस कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है या जितने अथॉरिटीज़ उसके पास है, तो बाकी पब्लिक देखती है कि वो अथॉरिटीज़ के बेसिस पे पार्टनर होगा बट एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड मतलब जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब ये कि जब ये लोग फर्म में आते हैं तभी उस टाइम कहते हैं कि हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किए सिर्फ उसके एक्सटेंट तक हम लॉस ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ ला करके नहीं बिजनेस को चलाएंगे या लॉस पे नहीं करेंगे। इसके बदले उन्हें नुकसान क्या होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। माइनर पार्टनर, अ पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। एज वी नो कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो सपोज़ किसी सिचुएशन की वजह से अगर कोई माइनर ऑन पेपर पार्टनर बन गया तो ऑन पेपर पार्टनर तो है बट वो बिजनेस में ना तो वो कोई काम कर पाएगा, ना वो मैनेजमेंट में कुछ पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो वो माइनर पार्टनर होगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, सच अ टाइप ऑफ पार्टनर डिफरेंट फ्रॉम माइनर पार्टनर। ही इज ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक ऑल द अदर्स पार्टनर्स। सच पार्टनर हैज़ नो राइट टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। ये बिजनेस के मैनेजमेंट में काम नहीं करते, ये क्या करते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो सिर्फ तभी शेयर करते हैं, ये लॉस में शेयर नहीं करते। तो ये हमारा था पार्टनरशिप के टाइप्स। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट विच इज़ रिटन बाय द पार्टनर्स। क्या क्या कंटेंट होता है इसमें? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई स्पेसिफिक पार्टनरशिप है किसी टाइम के लिए तो वो, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या काम करता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बिजनेस में पार्टनर्स ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो लोग जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, अगर पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है लाइक कमीशन और सैलरी तो वो भी लिखा होगा, अगर हम पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, पार्टनर को पैसा उधार दे रहे हैं लोन के रूप में तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी इंटरेस्ट की वो, अगर पार्टनर ड्राइंग्स लेता है, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, इस तरीके से बिजनेस की ये सारी डेथ की कंडीशन में क्या अकाउंटिंग की जाएगी या डिसॉल्यूशन के टर्म पे क्या होगा, डिसॉल्यूशन मतलब पार्टनरशिप के बंद होने पे कैसे अकाउंट्स क्लोज होंगे, गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या क्या हैं, अगर पार्टनर का एडमिशन रिटायरमेंट होता है तो क्या स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। और अगर डीड रिटन में है तो जो भी होगा वो उस डीड के अकॉर्डिंगली ही होगा। सो हमने क्या पढ़ा? इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने उनके मेरिट्स पढ़े हैं, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मोर फंड्स, शेयरिंग ऑफ रिस्क, सीक्रेसी। देन हमने लिमिटेशंस पढ़ी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्स, लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। ये हैं इनके डिफरेंसेस पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के। इसको टिक कर लीजिएगा। मिनिमम नंबर चाहिए 2 एंड मैक्सिमम नंबर चाहिए 50 पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो इंडिविजुअल पर्सन होता है,
पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, जबकि सोलो प्रोप्राइटरशिप का खुद का कोई भी एक्ट नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्टनर्स जो डिवाइड करते हैं वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, अगर मेंशन नहीं है तो इक्वली डिवाइड करेंगे। सोलो प्रोप्राइटरशिप के में तो सोल ट्रेडर ही सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अकेले का होगा। पार्टनरशिप में मिलकर के मैनेजमेंट होता है सारे लोग, जबकि सारा बर्डन सोलो प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे के पास होता है। पार्टनरशिप में ज़्यादा कैपिटल लगती है बिकॉज एक से ज़्यादा लोग हैं बिजनेस चलाने के लिए। सोलो प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होती है बिकॉज सिंगल ओनर होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपॉल, लिमिटेड पार्टनर, माइनर एंड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स अ रिटन एग्रीमेंट व्हिच इज साइंड बाय द पार्टनर, जिसमें फर्म के पार्टनर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी उन सब की सब कुछ रिटन में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ तक का आप लोग पढ़िएगा और इसके नोट्स बना करके ग्रुप पे सेंड करना। एंड कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है तो लेट मी नो, हम बाकी तो हम जब असाइनमेंट्स करेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।